हेलो फ्रेंड्स, फाइनली दीवारा का ट्रेलर रिलीज हो गया है और दीवारा का टीजर और ट्रेलर में जमीन आसमान का फर्क है। दीवारा का ट्रेलर में हम लोग को इतना कुछ डिटेल में पता चला कि मतलब कुछ कहने लायक नहीं है। आपको हर एक नया रोल के बारे में जो जो एक्टर्स उसमें है एक्ट्रेस है अच्छे से डिटेल में दिखाया गया, क्योंकि 2 मिनट 40 सेकंड का ये ट्रेलर है। और एक बड़ा चीज जो सबसे ज्यादा रिवील हुआ है वो है दीवारा का इसमें डबल रोल होने वाला है, मतलब 2 जूनियर NTR। एक जूनियर NTR रहने से ही मतलब धमाका हो जाता है, तो जिसमें 2 रहेगा वो क्या होगा। तो इसमें मेन जो दीवारा का रोल प्ले कर रहा है वो है जूनियर NTR के पापा, और भी दीवारा का एक बेटा रहता है जो कि थोड़ा डरपोक रहता है, उतना हिम्मत वाला नहीं रहता, ऐसा कुछ दिखाया गया है। इसमें जाह्नवी कपूर भी एज ए एक्ट्रेस दिखाया जाएगा, जो कि दीवारा का जो बेटा है उससे प्यार करती है। उसमें आपको दिखाया जा रहा है गांव में है, वो उसे ताना मार देगी, तू कम हिम्मत वाला है, वैसा कुछ दिखाया जा रहा है। तो उसमें एक्ट्रेस का भी अच्छा से दिखाया गया है क्या रोल प्ले कर रही है, गांववासी है। और जो सबसे बड़ा देख के एक चीज मेरे को और मजा आया वो है सैफ अली खान। सैफ अली खान इसमें विलेन का रोल प्ले कर रहा है, और जिस तरीके से डाकू वाला रूप जंगल में किस तरीके से सैफ अली खान अपना एक्टिंग कर रहे हैं ना, वैसा परफॉर्मेंस सैफ अली खान का मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक बार आदि पुरुष में तो सैफ अली खान का वो रोल देखकर हम लोग सबको ट्रॉमाटाइज्ड हो ही गए थे, लेकिन इस बार सैफ अली खान का ये रोल दीवारा मूवी में प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि सैफ अली खान जिस तरीके से इस मूवी में रोल प्ले कर रहे हैं ना, देख के मस्त लग रहा है। और एक चीज, सैफ अली खान कहता है कि दीवारा को मारने के लिए सिर्फ सही वक्त नहीं सही औजार का भी जरूरत है। तो क्या पता कौन सा औजार के बारे में बात किया जा रहा है और क्या दिखाया जाएगा इन फ्यूचर जब मूवी रिलीज होगा, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने दीवारा दिखाया जा रहा है कि 2 साल से लापता है, वो नाव लेकर गया था समुद्र में, उसके बाद लौटा नहीं है, या फिर कहाँ पे है, कैसे क्या हुआ है, वही चीज मूवी में दिखाया जाएगा। और एक इस मूवी को जो सुपर डुपर स्पेशल बना रहा है वो है अनिरुद्ध का म्यूजिक। अनिरुद्ध का म्यूजिक का हम लोग सब पे फैन है, जैसे कि जवान में, थालापति विजय का मूवीज में बहुत सारा हम लोग अनिरुद्ध का म्यूजिक देखे है, और उसी तरह इस दीवारा मूवी में भी अनिरुद्ध का म्यूजिक दिया जाएगा। तो सोच पा रहे हैं ना, जूनियर NTR का एक्शन, अनिरुद्ध का म्यूजिक, सैफ अली खान का विलेन, फाड़ने वाला है ये मूवी, बस एक रिलीज का जरूरत है। और जैसे कि कहा जा सकता है कि 20-30% दीवारा का रोमांस दिखाया जा सकता है उस जाह्नवी कपूर, और मेनली 70-80% आपको इसमें फुल ऑन एक्शन मास मूवी होगा। और फिर जो गांव का लेकर मूवी बनाया गया, ये पार्ट 1 रिलीज हुआ है, लेकिन पार्ट 1 के बाद अभी इसका एंडिंग भी वैसे ही कहीं पे होगा जहां पार्ट 2 रिलीज होगा। तो ऐसा टाइप का मूवीज जब साउथ में रिलीज होता है ना, पार्ट 1 एंड हो रहा है, पार्ट 2 फिर बनेगा, कुछ ना कुछ धमाका जरूर होने वाला है। ये एक नॉर्मल मूवी नहीं होने वाला है, इतना तो मैं श्योर हूँ। बाकी मूवी का इंतजार रहेगा। आप लोग भी अगर ट्रेलर देखे हैं तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोगों को कैसा लगा जूनियर NTR का दीवारा मूवी का ट्रेलर। तो आज इस वीडियो में इतना ही बोलूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।